ये तो बात बिल्कुल ठीक है, मगर हमने ये भी देखा कि जो मुतबादल जिस तरह से अलादीन की वो टूटी है, दुकानें टूटी है, मुतबादल उनको कुछ नहीं दिया गया। हालांकि हम ये देख रहे हैं, एक सवाल मेरा ये भी आपसे बनता है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पूरे सूबे में चल रहा है, मगर हमारे कराची में कोई पुरसाने हाल नहीं। बिल्डर्स क्या कर रही है, आबाद क्या कर रही है इसके काम पर? और जो गुज़िश्ता दिनों हमने ये सुना कि आबाद जो है इस पर कुछ फैसले करने की, तो आपको लगता है कि आबाद इसको आगे चलकर कुछ ऐसा लाहे अमल बनाने जा रही है, बिल्डर्स कोई ऐसा लाहे अमल बनाने जा रहे हैं ताकि ये जो कराची को यतीम समझा जा रहा है, इसको बर्बाद किया जा रहा है, सोची समझी साजिश कह ले या किसी का बदला ले ले, आगे जाके होगा क्या? कराची की आवाम किसके पास जाएगी जब सबसे एतबार उठ जाएगा? देखें, इस कंडीशन में मैं समझता हूं कि बिल्डर एंड डेवलपर जो भी हैं कराची के, जो चाहे काम करने वाले हैं, जो आबाद के मेंबर है, जिसके लिए हम पहले मालूम करते हैं कि उसका डेटा क्या है, फिर हम उसका इनकम टैक्स मालूम करते हैं, उभरता है, उसके पास कमर्शियल प्लॉट होने चाहिए, उसका बैंक स्टेटमेंट क्या है, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है, उन लोगों को हम लेते हैं और उसके बाद वो लोग कैसे काम करेंगे। मैं आज एज अ एलाइड पैनल ये अनाउंस करता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर ये रहा तो बिल्डर काम बंद कर देंगे कराची में, सिंध में, हर सूरत में सिंध में बंद कर देंगे, हम दूसरे सूबे में चले जाएंगे, इसलिए कि फ्लाई कैपिटल फ्लाई करेगा और यहाँ पे वही कच्ची आबादी बनाएगी। आप यही इलीगल कंस्ट्रक्शन करें, यही तबाही करें, जैसा आपका दिल करे करें, लोग नहीं रहेंगे, हम काम नहीं कर सकते, जब हम पे लोगों का एतमाद ही नहीं होगा हम कैसे काम करेंगे। मगर सर, मुतबादल की बात, ये सवाल रहता है कि मुतबादल चीजें नहीं दी जा रही हैं अलादीन के जो मुतासरीन हैं शॉपिंग सेंटर के, शॉपिंग मॉल के, उन दुकानदारों का तो यही कहना है कि हमें कोई मुतबादल तो दिया नहीं गया, कोई पूछा नहीं गया। और फिर पीपल्स पार्टी एमक्यूएम जो इस शहर को रिप्रेजेंट करती है, उसका किरदार आप क्या देख रहे हैं? सियासी जो जमात की बौछार, जब से ये तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन है, कोई पुरसाने हाल नहीं है सर? पैसा हवाले बनता है ना मेरा। सबसे पहले किसी का भी आप घर तोड़ते हैं या कोई दुकान तोड़ते हैं, उसको आपको इसके बदले कुछ देना है, उसके बगैर कभी भी नहीं होता कि उसको आप रोड पे खड़ा कर दें। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब अलमिया हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। इस पॉलिटिकल पार्टी को आज मैदान में आना चाहिए और उनको खड़ा रहना चाहिए मैदान में आके, और अपने वोटर्स को, अपने अगर कोई प्रोटेक्ट करना है तो आज वक्त है उनको प्रोटेक्ट करें, और अगर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो लोग भी उन पर एतमाद नहीं करेंगे आने वाले वक्तों में। तो आजकल हम बिजनेस कम्युनिटी अगर कोई चीज बना रही है और उसकी चीज टूट जाएगी तो हम खुद भी अनसेफ हो गए, तो हम पे भी एतमाद नहीं करेंगे। तो शहर में कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, शहर इसी तरह जंगल के कानून की तरह चलता रहेगा और इसी तरह ग्रो करता रहेगा। तो मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं, मास्टर प्लान क्या है वो तो आपको पूछना चाहिए, और मास्टर प्लान होने चाहिए, उसके बगैर कहीं भी शहर बनते नहीं। और जो चीजें गलत बनी है, इलीगल बनी है, उसकी तरफ पहले तवज्जो देनी चाहिए। जो लीगल बिल्डिंग्स है उसमें अगर कोई वायलेशन है तो रेगुलराइजेशन लॉ मौजूद है, कानून होता है, तो उसको भी देखना है। लेकिन मुझे नहीं लगता आने वाले वक्तों में हम लोग कोई भी शहर में काम कर सके। तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि हम जो है मूव कर जाएंगे, दूसरे सूबे में मूव कर जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर लोगों का एतमाद खत्म हो जाएगा। मगर बिल्डर्स सर, मेरा ये सवाल आपसे है कि बिल्डर्स जो है, जो तमाम तरह प्रोसेस कर रहा है, चीजें कर रहा है, जो गैर कानूनी तामीरात हो रही है, उन बिल्डर्स को क्या करना चाहिए जो असल में जो कानून के मुताबिक सारे एनओसीज ले रहे हैं दारों से और अपना पूरा प्रोसेस के साथ आवाम को फायदा दे रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो क्या सोचकर हम आवाम से, आवाम देख रही है प्रोग्राम, आवाम को क्या कहना चाहेंगे गैर कानूनी बिल्डर्स जो है उनमें और एक कानून के मुताबिक जो बिल्डर आए उनमें क्या फर्क है? ठीक है, कानूनी बिल्डर वो है जो इकोनॉमी आपकी मूव करता है, आपकी सारी चीजें, एक जमीन का स्ट्रक्चर होता है ना, सॉइल टेस्ट होती है, जो कानूनी होगा वो सॉइल टेस्ट कराएगा, उसी हिसाब से स्ट्रक्चर वो 100 फ्लोर का होगा या 2 फ्लोर का होगा उसको डिजाइन करेगा, और जो रूल्स हैं जो किताब में लिखा हुआ है उसको फॉलो करेगा, किताब से हटके कोई चीज को नहीं करेगा। तो वो लोग अगर किताब से हटके, आज प्रॉब्लम उन्हीं पे आ रहा है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज कराची में, खुद कह रहा हूँ 600 प्रोजेक्ट बन रहे हैं इलीगल, उसको कोई पूछ नहीं रहा, उसके कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, उसमें अरबों करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। इदारे जिम्मेदार हैं, इदारे जिम्मेदार नहीं, इदारे पैसे भी कमा रहे हैं, उसमें सारे इदारे हमारे शामिल है, उसके बगैर वो सियासी पार्टियां भी जिम्मेदार हैं, सियासी पार्टियां भी जिम्मेदार है, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी भी, दोनों इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ मिनिस्टर,
दोनों जिम्मेदार है, इसलिए कि वो सबसे बड़े हैं। मेरी कंपनी में अगर कोई चीज भी होगा रिस्पांसिबल आप होंगे, मैं होगा कंपनी का। इसी तरह सूबे का ये चीफ सेक्रेटरी होंगे और चीफ मिनिस्टर होंगे, उनको एक्शन लेना चाहिए, उनको आना चाहिए ग्राउंड पे और उनको बात करनी चाहिए कोर्टों से भी इदारों से भी। ये कोई हल नहीं है आप किसी का घर तोड़ के रोड पे ले आए, हल है उसको अल्टरनेट दे, उसकी अगर कोई चीजें हैं तो रेगुलराइजेशन है तो उस पॉलिसी पे आए, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप एड्रेस करें, सबको बिठाएं, किसका कसूर है उसको देखा जाए ताकि ये काम आगे की तरफ। चीफ जस्टिस साहब को स्पेशली आप इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चीफ साहब को कहूंगा कि सर बहुत इल्तिजा, आप बहुत अच्छी चीजें भी सोच रहे हैं, आप शहर की बेहतरी भी सोच रहे हैं, लेकिन रोड पे किसी को इसी तरह घर तोड़ के हम दे देंगे, घर गिरा देंगे किसी का और उसको कोई अल्टरनेट नहीं देंगे, उसका कोई रिहाइश नहीं होगा तो वो अनार्की आएगी। 40,000 फैमिली एक तरफ, ये 500 फैमिलियों का हमने दुकानें तोड़ दी, आज नस्ला की बात कर रहे हैं, तो ये सब है। आपको तो वहां देखना चाहिए जो आपने पुराने ऑर्डर्स किए थे बड़े इदारों के, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है। आपने नीलम कॉलोनी का, आपने क्लिफ्टन में बाकी इलीगल कंस्ट्रक्शन का, जहाँ पे 100-100 गज पे बिल्डिंग बनी उसका ऑर्डर किया, वहां कुछ नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोगों को ऐसा लग रहा है उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, सुना नहीं जा रहा, तो खुदा रा सर आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप जिस मनसब पे हैं उसके बाद कोई और जगह नहीं है कि अपील हो सके, तो आप अगर नहीं सुनेंगे तो क्या जवाब देंगे हम, और कौन रहेगा यहाँ पे, कौन बाहर से लोग आके कारोबार करेंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट आएंगी, यहाँ तो अपने लोग भागने के लिए तैयार है। ठीक है, अच्छा सर जाते जाते एक बात बता दीजिएगा, क्या कराची और दूसरे सूबों के जो शहर है उनमें फर्क क्या जा रहा है, क्या साजिश हो रही है? मैं समझता हूँ कराची के अलावा हैदराबाद में भी कई इश्यूज आ रहे हैं, सखर में भी ये इशू आ रहे हैं, और समझ नहीं आ रहा इस जगह इस सूबे के साथ क्यों ऐसा हो रहा है। और कराची वो शहर है जो 70% रेवेन्यू देने वाला है और हमेशा से देने वाला है, और इस पे अगर आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, इसको फैसिलिट करें, तो ये 70 की जगह 140% दे सकता है, इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये आपको हर चीज देने वाला है, ये देख के इस मुल्क को आगे ले जा सकता है। खुदा रहा उस तरफ सोचे, ये इंडस्ट्री 70 एलाइड इंडस्ट्री को चलाती है, ये इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करती है, ये इंडस्ट्री आपके जीडीपी में जो आज आपको 4% आ रही है, इसमें मेजर रोल इस इंडस्ट्री का है, और इस इंडस्ट्री को मतलब ये बेकॉन होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसलिए कि इसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्रियां चल रही है, और कभी भी कहीं प्रॉब्लम होता है पूरी दुनिया में तो इस इंडस्ट्री को फरोग दिया जाता है। तो मैं जरूर कहूंगा चीफ साहब से कि खुदा रा अपनी चीजों को देखे, हमें सुनने की कोशिश करें, हो सकता है कहीं गलती हो लेकिन चीजें बहुत शुक्रिया मोहसिन शिकानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो जिस तरह से आपने देखा कि मोहसिन शिकानी साहब ने भी यही बात की कि तमाम तर सियासी पार्टियां हो, इदारे हो, सब जिम्मेदार हैं, और उनका यही कहना था कि अगर इसी तरह से तजावजात के खिलाफ या गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा तो कराची की जो आवाम है उसमें मजीद मायूसी पैदा होगी, और ना सिर्फ मायूसी पैदा होगी बल्कि बिल्डर्स भी जो है वो सूबे दूसरे सूबों में मूव कर जाएंगे, और ये इस कराची शहर में जो 70% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है काम करना इस शहर में मुश्किल हो जाएगा। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।